नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है, 5G टेस्टिंग की वजह से देश में तबाही मचा रहा है कोरोना वायरस। WHO ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश में आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे संदेशों की भरमार है जिसमें कोरोना की 5G तकनीकी की टेस्टिंग को जिम्मेदार बताया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि 5G टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन हवा को जहरीला बना रहा है, इसलिए लोगों की सांस लेने में मुश्किलें आ रही हैं। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, वो भी हम आपको बताएंगे। तो दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, CM योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी, 4 दिन जी लो की जिंदगी, उसके बाद निपटा देंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हां, केंद्र सरकार ने कहा 14 दिनों की सख्त लॉकडाउन लगाओ, राज्य को दिया आदेश, राज्य जिन जगहों पर ज़्यादा संक्रमण है वहां ले सकते हैं फैसला। इस बीच बिहार में 15 दिनों का लगाया गया लॉकडाउन, नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। तो वहीं बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बीच PM मोदी ने जताई चिंता, ममता बनर्जी को दी चेतावनी। तो वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की बात। तो दोस्तों एक एक खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा और COVID-19 से निपटने में भी सक्षम होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, COVID-19 के बीच एक नया हवा फैल रहा है 5G टेस्टिंग की वजह से। दोस्तों तबाही मच रहा है कोरोना वायरस, WHO ने कहा फिलहाल 5G की टेस्टिंग की वजह से ये बातें हो रही हैं। आपको बता दें 5G टेस्टिंग की वजह से देश में तबाही भी मच रही है। दरअसल देश में आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश की भरमार भी आ रही है जिसमें कोरोना की वजह से 5G की तकनीकी की टेस्टिंग की जिम्मेदार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें कहा जा रहा है कि फिलहाल 5G की टावरों की टेस्टिंग की वजह से रेडिएशन हवा को जहरीला बना रहा है, दरअसल इसलिए लोगों की सांसों लेने में मुश्किल आ रही। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये बयान निकल के आया है, कुछ लोगों को इस पर सफाई भी दी गई है। दरअसल डॉक्टरों का क्या कहना है आप उस बात को समझिए। दरअसल आपको बता दें कि मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करती हूँ कि अविलंब, ये डॉक्टर चंदन यादव ने ट्विटर के जरिए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल अविलंब 5G टेस्टिंग की रोक लगाने की मांग की गई। अब उन्होंने क्या लिखा है ट्विटर पर, अब आप समझिए। उन्होंने लिखा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि तत्काल अविलंब 5G टेस्टिंग पर रोक लगाया जाए और इसके साथ ही हवा को फैलाने पर रोके जाए। कोरोना का सबसे बड़ा कारण 5G रेडिएशन है और मोदी सरकार और अंबानी अडानी को सब मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं और इस वजह से देश को काफ़ी नुकसान होगा। और इसके साथ ही दोस्तों 5G की टेस्टिंग बंद कीजिए, शशि लूथरा ने इस बात को कहा है। कई ऐसे कटिंग्स पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं न्यूज़पेपर्स के, जिनमें 5G की टेस्टिंग बंद करो इंसानों को बचाओ के मीम्स वायरल हो रहे हैं। अब इसके साथ ही WHO ने क्या कुछ कहा है, इस बात को भी आप समझ ही लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी रिपोर्ट में इस बात का खंडन किया गया है, जो सब ठीक हो जाएगा कोरोना से जुड़े तथ्यों और भ्रमों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी रिपोर्ट में इस बात का खंडन किया गया है। 26 मार्च को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोरोना नहीं फैलता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोरोना मोबाइल नेटवर्क्स और रेडियो तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना उन देशों में भी हो रहा है जहां 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल UP डायल 112 पर CM योगी को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, का 4 दिन में जो कर सकते हो कर लो, उसके बाद निपटा देंगे। UP के CM योगी आदित्यनाथ को सूबे के मुख्यमंत्री के बनने के बाद लगातार जान से मारने की धमकी मिलने के मामले सामने आए हैं और इसी बीच एक बार फिर से पुलिस कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर किसी संदिग्ध ने संदेश भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। घटना के बाद लखनऊ के सुशांत गोल सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके लिए पुलिस टीम अलर्ट जारी करते हुए नंबर की जांच कर आरोपी की गिरफ्तार में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार यानी 29 अप्रैल को देर शाम UP पुलिस के आपातकाल सेवा डायल 112 व्हाट्सएप नंबर पर किसी संदिग्ध व्यक्ति ने संदेश भेजते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने अपने धमकी भरे मैसेज में लिखा था फिलहाल वो CM योगी आदित्यनाथ को 15वें दिन जान से मार देगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर,
कोरोना वैक्सीन को लेकर कंपनी और सरकार के बीच तू-तू मैं-मैं। वहीं पूनावाला ने यूपी में शुरू कर दिया वैक्सीन का नया बिजनेस। दरअसल आपको बता दें कि इस महीने की अगली पहली तारीख से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगना है। सरकार ने इससे पहले के दो चरणों में तो टीकाकरण आसानी से कर लिया था, लेकिन इस बात वैक्सीन की भारी किल्लत सामने आई। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पूनावाला ने कहा था कि जनवरी जब केस घटने लगे तो सरकार ने कोरोना को हल्के में ले लिया था और वैक्सीन के ऑर्डर मिलने बंद हो गए थे, और इस वजह से सीरम इंस्टीट्यूट ने टीके बनाने की क्षमता को नहीं बढ़ाया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि सरकार ने पर्याप्त वैक्सीन के ऑर्डर नहीं दिए। इसी बीच सरकार का बयान आया है कि वैक्सीन के ऑर्डर दिए गए, लेकिन कंपनियां जैसे कि सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, और यहां दूसरे चरण के ऑर्डर्स को भी पूरी वैक्सीन डिलीवरी नहीं हो पा रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बंगाल में हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता। दो दिन के दौरे पर है बीजेपी चीफ नड्डा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जारी हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने भी चिंता जता ही दी है। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फ़ोन पर बातचीत की है, राज्य में फैली हिंसा को लेकर चिंता जताई है। गवर्नर धनखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन कॉल किया और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता और नाराज़गी व्यक्त की है। मैंने भी इस पर चिंता जताई और बताया है कि राज्य में तोड़फोड़, लूट और हत्याओं का दौर लगातार जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए तत्काल एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव भूपेंद्र यादव सोमवार को बंगाल पहुंच गए, और बीजेपी की ओर से बंगाल में कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी हिंसा के विरोध में 5 मई को देशव्यापी धरने का भी ऐलान कर दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर, लॉकडाउन में जब बंद हैं स्कूल तो कितनी देनी होंगी फीस, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के 36,000 गैर सहायक प्राप्त निजी स्कूलों को सोमवार को निर्देश दिया है कि वो शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15% कम फीस वसूल करें। इस फैसले में साफ किया गया है कि फिलहाल फीस का भुगतान न होने पर किसी भी छात्र को वर्चुअल या हालात सामान्य होने पर क्लास में शामिल होने से नहीं रोका जाएगा, वहीं उनका परीक्षा परिणाम भी नहीं रोका जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें राजस्थान विद्यालय यानी शुल्क नियमन कानून 2016 को और स्कूल में फीस तय करने से संबंधित कानून के तहत बनाए गए नियम की वैधता चुनौती को खारिज कर दिया गया था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, केंद्र सरकार ने राज्य को दी सलाह, कहा 14 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगाओगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार भयावह होती जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि जिन इलाकों में संक्रमण ज़्यादा हैं वहां पर 14 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि संक्रमण की कड़ी तोड़ने में मदद मिल सके। केंद्र ने राज्यों से इन इलाकों की जानकारी जुटाने के लिए भी कहा है जहाँ संक्रमण दर 10% या उससे अधिक है। इन इलाकों में स्थानीय तौर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसी बीच यूपी सरकार ने शुक्रवार शाम से मंगलवार सुबह 7 बजे तक के लॉकडाउन को बढ़ाकर 6 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। उधर चंडीगढ़ में भी 11 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। हम समथिंग अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगी, ये सख्त पाबंदियां नीतीश कुमार ने कर दिया ऐलान। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामले और मौत के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, और इसके साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है। आपको बता दें कि फिलहाल इस निर्देशिका के तहत बिहार में लॉकडाउन के दौरान कौन सी सख्त पाबंदियाँ लगाई गई, इस दौरान क्या क्या खुला रहेगा और क्या पूरी तरीके से बंद रहेगा, इस पर भी होगी। गृह विभाग ने 4 मई को जारी अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के कई राज्यों सहित बिहार में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई थी। समीक्षा में पाया गया है कि राज्य में संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते से लगभग 10% से अधिक बनी हुई। इस स्थिति में 5 मई से 15 मई तक ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली केजरीवाल का ऐलान, 2 महीने का मुफ्त राशन व ऑटो टैक्सी चालकों को मिलेंगे 5,000 के मदद। जी हाँ, दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं,
उन सभी को दिल्ली सरकार द्वारा 2 महीने तक मुफ्त में राशन दिया जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक व टैक्सी चालक हैं उन सभी को 5,000 रुपये की मदद देंगे। ऐसे में दिल्ली में करीब 1.5 लाख ऑटो और टैक्सी चालकों को फ़ायदा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार सभी ऑटो और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देकर उनकी मदद करेगी ताकि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनकी थोड़ी सी मदद मिल सके। तो ये केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, केंद्रीय संस्थानों में लिखा पत्र, मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दी जाए। दरअसल देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए भारत सरकार के उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने सभी केंद्रीय संस्थानों को पत्र लिखकर कहा है कि मई महीने में होने वाले प्रस्तावित सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। खरे ने केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों के कुलपतियों और डायरेक्टर को लिखा है, मौजूदा हालात में ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को आपके संस्थानों में मदद की दरकार तो उस छात्र छात्रा को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे कि जल्द से जल्द तनाव से बाहर निकल सके। और ये भी ज़रूरी है कि वैक्सीन के लिए योग्य व्यक्तियों को टीका लगवाने को प्रोत्साहित किया जाए। सभी लोग COVID-19 नियमों को पालन में सुरक्षित करें। हम चलते हुए अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें मुस्लिम वोटों का भी नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को साथ। पश्चिम बंगाल में सफाई के बाद रो रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, कहा लेफ्ट ने तो पूरा TMC को वोट ट्रांसफ़र करवा दिया और मुस्लिम हमें वोट ही नहीं दिए, तो किस मुद्दे पर सीटें जीतते, एक भी सीटें नहीं मिली हैं कांग्रेस पार्टी में। जी हाँ, बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एक भी सीटें नहीं मिलने की वजह से हताश हैं। दोस्तों बड़ी खबर भी इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।